साथियों, सरकार तो जो कर रहा है से कर्वे कर रहा है। हमारे साथ यहाँ के प्रशासन भी इतना बेहुद्दापन कर रहा है कि आप अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। हम लोग के साथ क्या हो रहा है, ऑनलाइन के नाम पे 8 लाख सॉरी हमारा सभी साथी के पंजीकरण है, उसको जो ऑफलाइन चल रहा था ऑनलाइन बना दिया गया है। जो वजीफा मिलना था 31 दिसंबर के लास्ट डेट था। इस सरकार ने इतना मतलब घिनौना चाल चला है, इतना निकम्मा चाल चला है कि जो मजदूर के बारे में बात करता है वो सच में मजदूर के बारे में बात नहीं करता है। 31 दिसंबर के लास्ट डेट है और 26 तारीख के घोषणा करता है क्या कि ऑनलाइन अब सारा काम होगा और इसका जो नेट बोलते हैं तो चलता नहीं है। यानी 8 लाख मजदूर के बच्चा वजीफा ना ले सके। और वो पैसा किसका है, वो सरकार के बाप के नहीं है, वो मजदूर के है। हम जो काम करते हैं, जो हमारा टैक्स आता है 1%, वो पैसा 2900 करोड़ रुपया इकट्ठा है, 1-2 करोड़ नहीं है। आप जो मकान बनाते हैं, आप जो टैक्स भरते हैं ना, नक्शा पास करवाते हैं, उसका 1% टैक्स है। जो हम कॉपी बनाते हैं 85 रुपया जो लगता है वो पैसा है, वो सरकार के पैसा नहीं है। मगर नजर कहाँ है, मजदूर के ऊपर। और बात क्या होता है कि मजदूर के लिए मैं काम करता हूँ, जिसके बारे में कई साथी जिक्र कर चुके, स्वर्ण जाति के लिए। आप लोग बहुत ध्यान से सुनो, कल टीवी से हो क्या रहा है, रोजगार तो है ही नहीं है। आप लोग का शायद जानकारी नहीं होगा, थोड़ा सा एक बार थोड़ा सा जानकारी दे देता हूँ। कल मैं टीवी पर देख रहा था, बिहार में कंप्यूटर हर एक स्कूल में रखा गया है। मैं ही चलते बिहार के बात करता हूँ कि मैं बिहार के रहने वाला हूँ। कंप्यूटर हर एक स्कूल में रखा गया है, 5 साल के कोटा दे दिया गया है, जिसको बोलते हैं प्राइवेट जो करने के निजीकरण। एक मास्टर ने नुक कंप्यूटर रखा हुआ है, सारे के सारे हड़ताल पे है। एक उसमें बेचारा मर भी गया है, फिर भी आज हड़ताल पे बैठा हुआ है। हड़ताल क्यों जरूरत है, इसीलिए हड़ताल की जरूरत है। जो हमारा मांग नहीं उठता है, ये सरकार अच्छे दिन का जो झांसा दिखा रहा है मगर वो काम नहीं करता है। हमें तो इतना बेकूफ बनाया जाता है। कल के मैं बताता हूँ, जब मैं कल के एसडीएम से मिला और जब बुलाया गया, हम लोग 31 दिसंबर को घेरे थे पूरे हरियाणा में, तो 31 दिसंबर के जब घेरे थे, 31 जनवरी का टाइम दे दिया, 1 महीना बढ़ा दिया गया हम लोग के लिए कि आप लोग ऑनलाइन कर सकते हैं। बोला क्या, यहाँ पर सीवेज सेंटर खुला उसमें जाइए। जब वहां जाते हैं तो क्या कहता है, ऐसा कुछ भी नहीं सिस्टम है। इतना झूठ बोलता है ये सले सलावत बैठा हुआ है, श्रम कल्याण बोर्ड का अधिकारी, एक नंबर खटिया अधिकारी बैठा हुआ है, इतना बेकार बैठा हुआ है। सामने एसडीओ के सामने हाँ भरता है और वहां जाकर के मुकर जाता है, इतना निकम्मा। इतना ही नहीं, एक दहिया दहिया करके भी बैठा हुआ है, वो तो और उसका भी बाप निकल गया। अधिकारी मेन है सले सलावत, मगर उसका बाप निकल गया दहिया जो बैठा हुआ है, सुरेंद्र दहिया। वो इतना कमीना है, बोला करके मेरे को बोला पर्चा देता हूँ आप लोगों के 17 तरह के इसमें लगाया गया है, मगर वो पर्चा देने से आना कानी किया। जब हम लोग दोबारा फिर एसडीएम के घेरने के लिए पहुंचे तो तुरंत बुला करके दे दिया, क्योंकि हम लोग लड़ रहे हैं भवन निर्माण कामगारी यूनियन जो हमारा है। आज हमारा महा में भी धरना दे रखा है, ये समर्थन में पूरे हिंदुस्तान में हमारा रोहतक जिला में 5000 भवन निर्माण कामगार यूनियन हमारा साथी है। वो कल सारे के सारे रोहतक में आप मानसो पार्क में आपको मिलेंगे। साथियों, हमारे साथ ऐसा अत्याचार होता है। हम काम करते हैं, जब उसके बारे में बोलते हैं कि भाई काम करवा के हमें पैसा नहीं दिया जाता है, इस पे कोई नकेल कसो, इसके लिए कोई कानून लागू करो, मगर जो यहाँ के डीसी बैठा हुआ बोलता है वो क्या कहता है कि हमारा उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं, हम डाल सकते हैं, वो जाकर के खुद बात करो। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि यदि हम जिंदाबाद मुर्दाबाद करके किसी मालिक के घेरता हूँ तब दहाड़ी आपका मिलेगा। फिर डीसी साहब आप किस लिए बैठे हैं, जिला के मालिक होकर के आपको तो कुर्सी त्याग देना चाहिए, शर्म लगना चाहिए ऐसे जो डीसीओ के इस तरीका जो बात रखता है कि मजदूर के दहाड़ी कोई भी मार ले और उसके लिए कोई कानून नहीं है।